यूपी का अयोध्या, यहाँ राम मंदिर तो बन ही रहा है और जिले के ही धन्नीपुर गांव में भव्य मस्जिद भी बनेगी जिसका डिजाइन तैयार हो चुका है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस डिजाइन को जारी कर दिया है। मस्जिद का डिजाइन अंडाकार होगा और इसमें कोई गुंबद नहीं होगा। फाइनल हो चुका है डिजाइन। शनिवार 19 दिसंबर को मस्जिद के डिजाइन को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्य और आर्किटेक्ट शामिल हुए। कुछ लोग वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मस्जिद के निर्माण और डिजाइन पर चर्चा की गई। साथ ही यहां के परिसर में बनने वाले अस्पताल, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन आदि के डिजाइन भी फाइनल किए गए। किसी राजा के नाम पर नहीं होगी मस्जिद। बैठक के बाद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना जफर फारूकी और सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि इस मस्जिद का नाम किसी राजा महाराजा के नाम पर नहीं होगा और ना ही मस्जिद बनाते वक्त कोई बड़ा आयोजन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है इसका नाम धन्नीपुर मस्जिद होगा। इसके परिसर में जो अस्पताल बनाया जाएगा वह 4 मंजिला अस्पताल होगा और अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 26 जनवरी को रखी जा सकती है नींव। सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि फिलहाल नक्शा पास होने का इंतजार है जिसके बाद 26 जनवरी को नींव रखी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो 15 अगस्त को नींव रखी जाएगी। इस मस्जिद के परिसर में सभी किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही जो अस्पताल बनाया जाएगा उसके लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस मस्जिद के आर्किटेक्ट SM अख्तर रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।